हेलो एंड व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गिटार लोर्स। सो प्रीवियसली हम देखे थे कि हाउ टू ट्यून योर गिटार और भी बहुत कुछ देखे, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि गिटार को कैसे पकड़ना चाहिए और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि हाथ के मूवमेंट्स और भी बहुत कुछ देखें। तो बिना देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट चीज हम सीखेंगे कि गिटार को कैसे पकड़ते हैं। सो गिटार का जो ये वाला पार्ट होता है, ये बेसिकली बॉडी के हिसाब से परपेंडिकुलर रहता है। जैसे कि ये गिटार है और ये मेरा लेग है, तो ये जो थाई पोर्शन है इससे बॉडी के हिसाब से पूरा परपेंडिकुलर रहेगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरा बॉडी ऐसा है और गिटार का जो नेक है वो ऐसा है, और गिटार सीधा होना चाहिए, ना कि ऐसा होना चाहिए। पूरा गिटार पूरा सीधा रखना है, और फिर आप अगर सीधा रखेंगे तो आप अच्छे से प्ले कर पाएंगे। तो ये जो हाथ है आपका, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये यहाँ पे नहीं चिपकना चाहिए, ये ऐसे रहना चाहिए पूरा, ताकि आप अच्छे से प्ले कर सको। अगर आप यहाँ पे ऐसे चिपका दोगे तो आप प्ले ठीक से नहीं कर पाओगे, तो ऐसे प्ले नहीं हो सकता है। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट को यहाँ से जितना चाहे उतना डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। तो आप ऐसे देखिए, मैं कितना डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ, तो ऐसे आप अच्छे से प्ले कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट आता है, कैसे प्ले करना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे जो फिंगर का ये जो टिप होता है, ये पूरा ये वाला टिप रहता है, तो इससे आप प्रेस करेंगे यहाँ पे। अगर आप प्रेस करेंगे, यहाँ से प्रेस नहीं होता है, यहाँ पे प्रेस होता है। पहले थोड़ा मैंने पेन होगा, उसके बाद ये पूरा एज यूजुअल हैबिट हो जाएगा, और ये जो पोर्शन है ये आपका हार्ड हो जाएगा। उसके बाद आप जो मर्जी वहाँ पे प्ले कर सकते हैं, कि ये जो पार्ट है ये ऐसे आप रखेंगे और ऐसे प्रेस करेंगे तो ये प्ले होगा। ऐसे ही हर फिंगर को करना है। आपको यहाँ से बेंड करना है, यहाँ से, ना कि आपको यहाँ पे चिपकाना है। तो आप अगर यहाँ से बेंड करेंगे, ये थोड़ा सा पेन होगा, उसके बाद ये हैबिट हो जाएगा। अब हम देखते हैं गिटार को कैसे होल्ड किया जाता है और कैसे प्ले करते हैं गिटार को। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो ये जो आपका थंब है, यहाँ से आप प्रेशर देंगे यहाँ पे, ना कि ऐसे ऐसे, पूरा मिडिल में रखेंगे थंब को, और फिर ऐसे आराम से प्ले कीजिएगा। ये हर स्ट्रिंग प्ले कर सकेंगे, और अगर आप ऐसे करेंगे तो ये जो ऊपर स्ट्रिंग है ये आप प्ले कर नहीं सकेंगे। सो ये तो था गिटार को कैसे होल्ड करना है और कैसे प्ले करना है। तो अब हम देखते हैं राइट हैंड। हमारा जो राइट हैंड है, ये वाला राइट हैंड है, ये वाला लेफ्ट हैंड है, और इसमें हम यूज करेंगे फ्रेटिंग के लिए, और इसे हम यूज करेंगे प्लकिंग के लिए। तो फर्स्ट हमें इसे इन बोथ हैंड्स को ट्रेन करना है। फर्स्ट हम देखेंगे राइट हैंड को ट्रेन करेंगे। तो राइट हैंड को ट्रेन करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं। तो फर्स्टली हम क्या आपको क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड है इसे कुछ नहीं करना है, इसे बस रखना है ऐसे या ऐसे। तो राइट हैंड जो है, तो यहाँ पे बात आती है पिक होल्डिंग की। तो अब हम देखेंगे पिक को होल्ड कैसे करते हैं। तो पिक को होल्ड करने के लिए प्रॉपरली, तो ये जो आपका पोर्शन है इसको हम बेंड करेंगे ऐसे, और ये दो फिंगर में ही होल्ड करना, बाकी ये जो फिंगर है इसको हम रखेंगे ऐसे ही। तो ये जो पोर्शन है इसको हम बेंड करेंगे ऐसे, और ये जो पोर्शन है इसको हम यहाँ पे लाएंगे, तो ऐसे पिक को होल्ड करेंगे।
और पिक्स को यहाँ पे रखेंगे। तो ये कुछ ऐसा रहा। कैसे करेंगे, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको ऐसे बेंड करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे, इसको तो पिक कुछ ऐसा रहेगा पूरा। और आप जो प्ले करेंगे ये पूरा पिक का जो एंड पार्ट है, ये जो पूरा शार्प वाला पार्ट है और ये स्ट्रीम से पूरा परपेंडिकुलर रहेगा ऐसे, तो आप अच्छे से प्ले कर सकेंगे ऐसे पूरा। तो गाइस ये था पूरा लेसन और इस वीडियो में हम जाने कुछ बहुत सी बेसिक चीजें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।